हेलो एवरीवन, एसटी लर्निंग चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं पार्ट 3 दिल्ली के मौसम लेकर आई हूँ, जो कि आपकी पार्ट 2 और पार्ट 1 मैं पहले ही करा चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मैं दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 का पहला। आप अपनी कक्षा या घर के कमरे में बैठे होंगे, ज़रा छत की तरफ नज़र उठाकर देखिए, क्या आपको पंखे चलते हुए दिखाई दिए। आजकल आपको पंखे चलने की ज़रूरत महसूस होती है, बाहर तेज़ धूप है। धूप में बैठने के बजाय छांव में बैठना आपको अच्छा लगता है ना, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धूप में बैठना आपको अच्छा लगेगा। आप समझ चुके होंगे कि कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आ जाएगा। दिल्ली में सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम खूब अच्छी तरह लग आता है। जब गर्मी पड़ती है तो इतनी तेज़ पड़ती है कि सबको पसीना आने लगता है। जब सर्दी आती है तो इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है कि सबको सर्दी लगती है। पाइपों में बहने वाला पानी भी बहुत ठंडा लगता है। जब बरसात होती है तो ऐसे गजब की हर तरफ पानी पानी नज़र आता है। ऐसा लगता है कि मानो सड़कों पर नदी बह रही हो। कभी कभी तो ओले तक गिरने लगते हैं तेज। यानी कि कहने का मतलब है दिल्ली के मौसम में तो गर्मी, सर्दी, बरसात ये सब चीज़ें रहती है। तो गर्मी में यह होता है कि पंखे चला के बैठो, ठंडा ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है, ठंडी चीज़ें खाते हैं, पीते हैं और एसी चला लेते हैं, तो गर्मी में ऐसा रहता है। लेकिन ऐसी चीज़ सर्दी में नहीं रहती। सर्दी में हमें गर्म चीज़ें चाहिए होती हैं, हम रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर ओढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है सर्दी में सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। धूप में बैठते हैं, ठीक है। बरसात में हमें बरसात से बचने के लिए हम छाता का यूज़ करते हैं, रेनकोट का यूज़ करते हैं। तो ये सारी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सड़कों पर नदी बह रही हो, कभी कभी तो ओले तक गिरने लगते हैं। तो यानी कि समझ रहे हो ना कि मौसम में क्या होता है। कभी कभी तो बरसात होती है तो इतना सारा पानी गलियों में हम देखते हैं, है ना। कभी कभी गर्मी पड़ती है तो इतनी तेज़ धूप हम देखते हैं। कभी कभी सर्दी पड़ती है तो हम इतनी तेज़ ठंड देखते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तेज़ बारिश व हवाओं के कारण बड़े बड़े पेड़ तक उखड़ जाते हैं। ऐसा अनोखा है दिल्ली का मौसम। तो दिल्ली के मौसम में क्या है, जब तेज़ बारिश होती है या बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं हवाओं से भी तूफानों से भी उखड़ जाते हैं जड़ से। अब आता है गर्मी। साल के ज़्यादातर महीनों में दिल्ली में गर्मी होती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई और जून के महीनों में। तो सबसे ज़्यादा गर्मी किस महीने में पड़ती है, मई और जून में। इन्हीं महीनों में तो आपके स्कूल में छुट्टियां भी रहती है ना। इसी महीने क्या होती है, हम अपने स्कूलों की छुट्टियां भी रखते हैं। 2 महीने के स्कूल की छुट्टियां पड़ती है ना मई और जून में। इन महीनों में तो इतनी गर्म हवा चलती है कि लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते हैं ताकि गर्म हवा बाहर ही रहे। इस प्रचंड गर्म हवा को लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू। तो लू मतलब होता है जो गर्म गर्म हवा चलती है, वो दिन में चलती है, उसको हम बोलते हैं लू। इस लू गर्म हवा के कारण ही आपके माता पिता आपको दोपहर में बाहर निकलने को मना करते हैं। तो अभी कौन सा मौसम है, वह कहते हैं कि बाहर मत जाना वरना लू लग जाएगी। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए शरबत और लस्सी पीते हैं। गर्मी के मौसम में जब आंधी चलने लगती है तो हर तरफ धूल और मिट्टी फैल जाती है। इस मौसम में बाज़ार में आम नज़र आने लगते हैं। आम कई किस्मों के होते हैं, कोई हरा, कोई पीला, कोई लाल। इसी मौसम में गोल गोल पीले और संतरे रंग वाले, खरबूजे और हरे रंग के बड़े बड़े तरबूज मिलने वाले तरबूज भी मिलने लगते हैं। गर्मी के मौसम बाज़ार में सब्जियां कम दिखाई देती है। गर्मी के मौसम में कुछ फूल खिलने लगते हैं, जैसे गुलमोहर और मोतियां। तो याद रखो कि जो गर्मी का मौसम है, इनकी मई जून में हमारे स्कूलों की छुट्टियां पड़ती है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लू चलती है, ठीक है। और गर्मी का जो फल होता है वो ज़्यादातर मैंगो ही होता है। और गर्मी में जब फूल खिलते हैं, यानी कि गर्मियों के मौसम में गुलमोहर और मोतियाँ, ये 2 फूल है जो गुलमोहर मोती जो गर्मी के मौसम में खिलते हैं, ठीक है। फिर आता है बरसात।
वैसे तो दिल्ली में साल के किसी भी महीनों में बरसात हो जाती है, लेकिन दो महीने ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादातर बरसात होती रहती है। वह महीने हैं जुलाई और अगस्त। तो बरसात ज़्यादातर किस कौन से महीने में स्टार्ट होती है? जुलाई और अगस्त के महीने में जो है बरसात ज़्यादा स्टार्ट होती है, शुरू हो जाती है। दिल्ली में वर्षा लाने वाले बादल बहुत दूर समुद्र में से निकलकर हमारे शहर में आते हैं, इसलिए कई बार उनको आने में थोड़ी देर भी हो जाती है, लेकिन आम तौर पर वे जुलाई के शुरू में दिल्ली में आ ही जाते हैं। इन्हें मानसून के बादल भी कहते हैं। वर्षा के बादलों के कारण सूरज छिप सा जाता है और ठंडी हवा बहने लगती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है। जैसे ही बारिश तेज बूंदें गिरती है तो सभी लोग इनका आनंद लेने लगते हैं। मोर नाचते हैं, मेंढक टराने लगते हैं। छोटे बच्चों को बारिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वे हर तरह उछलते कूदते और भीगने लगते हैं। बरसात के मौसम में ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती नहा रही है। पेड़ पौधे इमारतें सब धूले धूले और साफ लगते हैं। इस मौसम में जामुन के फल पकने लगते हैं। पके हुए जामुन जब धरती पर गिरते हैं तो धरती भी जामुनी से लगने लगती है। बरसात के महीने में बच्चे पेड़ों पर झूलर डालकर खूब झूलते हैं। ठीक है, तो बरसात ऐसा होता है, इंजॉयमेंट वाला मौसम होता है, सब बच्चे बहुत खुशी होते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पेज नंबर 12 में आपको एक चित्र नज़र आ रहा होगा कि जब स्कूल टाइम से अगर बच्चे आते, हम भी जब स्कूल टाइम से आते तो बहुत भीग जाते थे और हम भी इंजॉय करते थे बरसात का। ठीक है, तो ये इंजॉयमेंट होती है। बारिश पर ज़्यादा बारिश भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। उसके बाद आता है सर्दी। अक्टूबर का महीना आते आते गर्मी पड़ने लगती है। नवंबर के महीने में सुबह सुबह उठकर जब आप नहाते होंगे तो पानी ठंडा लगता होगा। इसका मतलब यह है कि अब सर्दी का मौसम आने वाला है। दिल्ली में दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी होती है। सूरज जैसे रूठ सा जाता है। सर्दी में सूरज सुबह देर से निकलता है और शाम को जल्दी छिप जाता है, जिससे जल्दी अंधेरा हो जाता है। लोग सूरज निकलने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सर्दी में सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है, जब गुनगुन की धूप खिली होती है। लोग धूप में बैठकर मूंगफली बड़े मज़े से खाते हैं। जैसे ही धूप ढलने लगती है लोग मोटी चादर कंबल या रजाई ओढ़ने लगते हैं। सर्दी के मौसम में बाज़ार कई तरह की सब्जियों रेवड़ी कच्चक फलों से भर जाता है। पालक और सरसों का साग खाने का मज़ा सर्दी के मौसम में ही आता है। सर्दी के मौसम में आपको गेंदे और गुलाब के फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। तो सर्दी में ज़्यादातर जो फूल उगते हैं वो गेंदा और गुलाब के फूल, ठीक है, ये ज़्यादा सर्दी में उगते हैं। तो ठंड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है दिल्ली में भी, तो वो जब दिन में थोड़ा थोड़ा सूरज आना स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ी ठंड कम सी हो जाती है और लोग अपने छतों पर जाकर इंजॉयमेंट के साथ बैठते हैं, ना रेवड़ी गज्जा ये सब खाते हैं, आनंद लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्दी भी हमारा फिनिश होता है। तो कुछ बातें हैं आपकी बातें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। गर्मी में आप कौन कौन सी चीज़ें खाते पीते हैं? तो आप बताओ कि जो गर्मी होती है तो आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं गर्मी में? पहली बात तो ये है कि हम ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, ठीक है, जूस पीते हैं, लस्सी, ठीक है, और ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ठीक है, शरबत, ये हम गर्मी में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। बरसात से बचने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है कि बरसात आएगी तो बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे? बरसात से बचने के लिए हम छाता और रेनकोट का प्रयोग करेंगे ताकि हम गीले ना हो सके, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित वस्तुएं कौन से मौसम में मिलती है, सही जगह पर लिखिए। अब देखिए, जो वस्तुएं होती हैं ये सारी जो हिल डुल नहीं सकती है, जिनमें जान नहीं होती, उनको वस्तुएं बोलते हैं। तो उनको सही जगह पर लिखना है कि सर्दी के मौसम में सर्दी में हमें क्या क्या मिलता है, गर्मी में क्या मिलता है, बरसात में क्या मिलता है। तो सबसे पहले आता है सर्दी। तो सर्दी में हम मिलते हैं
क्या क्या चीज़ें आपको मिलता है। तो रेबड़ी गज्जक, गुलाब, ठीक है, कोहरा, स्वेटर एंड और क्या क्या चीज़ें मिलती है, अमरूद भी सर्दी में मिलता है, ठीक है। गर्मी में हमें मिलता है शरबत, ठीक है, पसीना, पंखा। तो आपको गर्मी के मौसम में ये सब चीज़ें मिलती हैं। आम भी आपको गर्मी में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है बरसात। बरसात में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, बरसात में हमें छतरी, ठीक है, जामुन और लू सर्दी में मिलती है। और क्या मिलता है बरसात में, बरसात में ओले भी मिलते हैं, कभी कभी बारिश में ओले भी नज़र आते हैं, ठीक है। छतरी, रेनकोट, ये हमें बरसात में दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है पार्ट 3 भी ख़त्म होता है। उसके बाद पार्ट 4 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।